अब छोड़ दें सोलन में बच्चों के शॉपिंग की चिंता। आपके शहर सोलन में आ गया है बच्चों की शॉपिंग का सबसे बड़ा शोरूम firstcry.com। आज ही विजिट करें फर्स्ट फ्लोर श्री श्याम कॉम्प्लेक्स अबव रेमंड शोरूम नियर अमर होटल द माल सोलन। डी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। सोलन में चुनावी प्रचार जो है जोरों शोरों से चला हुआ है और आज हम आपको लेकर आए हैं वार्ड नंबर 15 में। हम आपसे बहुत अभी जस्ट मिलवाने वाले हैं वार्ड नंबर 15 की भाजपा प्रत्याशी नेहा ठाकुर से। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके क्या मुद्दे हैं और क्या उनकी प्राथमिकता है इस चुनाव को लेकर। तो सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत बहुत डी न्यूज नेटवर्क में। थैंक यू धन्यवाद। नेहा जी, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप कन्विंसिंग पर हैं। हाँ जी। तो कैसा आपको क्या एक्सपीरियंस और कैसा लग रहा है आपको? कन्विंसिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया लग रहा है और भाजपा सरकार ने मुझे अभी मौका दे दिया है। कंप्लीट है नॉमिनेशंस, अब हमें सिंबल मिल चुका है तो हमारे ऊपर उन्होंने एक जिम्मेवारी दी है और जब हम फील्ड में उतरे हैं तो अब बहुत मज़ा आ रहा है। एक सिंबल के साथ आने में खुद में ही बहुत गर्व की बात होती है कि पार्टी ने हमारे ऊपर बहुत विश्वास दिखाया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है, बड़ी पॉजिटिव वाली फीलिंग है, मज़ा आ रहा है कि अब एज ए कैंडिडेट भाजपा की पूरी जोश से, ठीक है, पूरे फुल एनर्जी के साथ मैं फील्ड में हूँ और लोगों से जब मिलती हूँ तो और उनके साथ कॉन्फिडेंटली बात करती हूँ, उनसे इंटरेक्शन होती है, उन्हें भी बहुत खुशी होती है कि उनका कैंडिडेट टिकट लेके आया है तो वो भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी, आप इसी वार्ड की रहने वाली हैं और आपको हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्या मुद्दे हैं इस वार्ड को लेकर, क्या समस्याएँ इस वार्ड को लेकर लोगों ने आपको जो है इस कन्वेंसी के द्वारा बताई है। हाँ जी, मैं वार्ड नंबर 15 से ही हूँ और अभी मैं आज जिस एरिया में हूँ, ये इस एरिया का नाम पवन विहार है वार्ड नंबर 15 के, और अच्छा है आज अपने एरिया में, मोहल्ले में आज अपने साथ सहयोगियों के साथ मैं आ रही हूँ। एमएलए पछाड़ जो है रीना कश्यप जी मेरे साथ में हैं, तो वही चीज़ें आती है कि मोहल्ले की जब बात आती है ना तो वो अपना ही परिवार है। जब हम जहाँ बचपन से कहते हैं ना रहते हैं, पर मैं हूँ आफ्टर मैरिज जैसे, लेकिन मेरा मोहल्ला ऐसा है कि जहाँ से मुझे सभी लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनका आशीर्वाद भी और प्यार भी है, तो एरिया है और जो हमारा नए एरिया वहाँ पे भी बहुत उन लोगों ने प्यार दिया। आज मौका मुझे अपने एरिया में आप लोगों को बाइट देने का भी मिल रहा है, ये भी नया अनुभव है मेरे साथ। यहाँ के एरिया के जो मुद्दे हैं, यहाँ का तो मुझे पहले ही पता है, पवन विहार में रह रही हूँ, मुद्दे तो फिर वही सफाई का और बिजली वगैरह की सारी चीज़ें तो हैं, पानी का है, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा मेन मुद्दा हमारा है जो रास्ते की प्रॉब्लम है। यहाँ एम्बुलेंस रोड नहीं है, उसके लिए हम पहले से भी प्रयास कर रहे थे, हमारे जो पहले के काउंसलर रहे हैं परिषद में भी, तो हमने उनको भी बहुत बोला था, वो भी बेचारों ने सबने बहुत एफर्ट मारे थे, उन्होंने भी अपना बहुत अच्छा किया, लेकिन वो हो नहीं पाया काम। तो अभी मेरा जो यहाँ का मेन मुद्दा है सड़क के लिए, जो एम्बुलेंस रोड या फायर रोड, फायर ब्रिगेड के लिए यहाँ के लिए रोड निकल जाए, मेरा उसी के लिए जोर रहेगा। आते ही मैं सबसे पहले कोशिश यही करूँगी कि मैं वो अपने मोहल्ले के लिए और अपने जो नया एरिया है आगे उनके लिए भी जहाँ जहाँ एम्बुलेंस रोड निकल सकते हैं वहाँ के लिए मैं निकालूँ, क्योंकि ये मुझे पता है बहुत मुश्किलें होती हैं बुजुर्गों के लिए, पेशेंट्स के लिए ले आना ले जाना, कोई गर्भवती महिलाएं इमरजेंसी में अगर लेके जाना पड़ता है, लेट नाइट आवर्स में यहाँ पे गेट हमेशा क्लोज रहता है क्योंकि एजुकेशन एरिया आता है, गेट है वहाँ पे, तो उनको हम भी नहीं कुछ कह पाते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो सभी फेस कर रहे हैं और यही प्रॉब्लम जो है हमारे और एरिया में भी हैं जो हमारे वार्ड में हैं। वो मैं चाहूँगी जो हमने इतने सालों से यहाँ सफ़र किया वहाँ भी लोग सफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं एम्बुलेंस रोड के लिए रिक्वेस्ट करूँगी आगे और आगे वाले नए एरिया के लिए भी एम्बुलेंस रोड के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी। जी, आप अपने वार्ड नंबर 15 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगी, कैसे अपील करेंगी? वार्ड नंबर 15 के अब मेरे सभी लोगों के से यही अपील है मेरी कि, और बहुत ही तहे दिल से पहले तो मैं उन्हें शुक्र अदा करती हूँ कि यहीं के लोगों की जिसको बोलते हैं ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है, जो मुझे ये मौका दिया मिला है, टिकट जो मिली है ये उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो होती है आपके लिए दुआएं हमेशा काम करती हैं और मैं जब भी वार्ड में गई हूँ मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है सभी लोगों का। और अब आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वार्ड नंबर 15 के लिए जो है कैसा रहेगा, तो वार्ड नंबर 15 के लिए मैं यही कहूँगी, मैं बेस्ट टू बेस्ट अपने देने की कोशिश करूँगी और अपने वार्ड को मैं नंबर 1 पे ले जाने की यही मेरी इच्छा है कि मैं नंबर 1 पे लेके जाऊँ और ऐसा काम करूँ कि लोगों को भी आगे प्राउड फील हो कि उन्होंने अगर एक अच्छा कैंडिडेट दिया था तो मैं आई हूँ।
धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। धन्यवाद DNN चैनल का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जो टाइम टू टाइम मुझे कहते हैं आपके लिए लेके आते हैं और अपडेट करते रहते हैं आपको भी, जिससे मेरे विचारों को भी आप तक पहुँचने का मौका मिलता है। अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, थैंक यू। थैंक यू मैम। DNN न्यूज़ ब्रॉट टू यू बाय स्मार्ट, विवाह शादी की खरीदारी के लिए हिमाचल का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान, आज ही पधारिए स्मार्ट देवभूमि प्लाजा राजगढ़ रोड 16।